दोस्तों न्यू क्रिएटर के साथ कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि उनके वीडियोज़ पे व्यू नहीं आता है और वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता है, जिसके वजह से न्यू क्रिएटर काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों उनके वीडियो पे व्यूज़ क्यों नहीं आता, उनको ये पता नहीं चलता है कि वो वीडियो में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, उनका वीडियो में क्या कमी रह गया है। दोस्तों आपके वीडियो में क्या कमी है, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, अगर ये चीज़ आपको पता चल जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो आपके वीडियो पर भी ज़्यादा व्यूज आने लगेगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके वीडियो में क्या कमी है, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपका थंबनेल सही है, क्या आपका टाइटल सही है, क्या आपका डिस्क्रिप्शन सही है, क्या आपका टैग सही है, क्या आपका यूट्यूब वीडियो का SEO सही से हुआ है। दोस्तों अपने ख्याल से तो सब कोई टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग ये सब जितना भी होता है और SEO वाला बात ये सब अपने ख्याल से तो सब कोई अच्छे से करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि थंबनेल अच्छे बनाएं, पूरी कोशिश करते हैं कि टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ अच्छे से लिखें। ये सब अगर आप पता कर लेंगे तो आप अपने नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे इससे बेहतर बनाएंगे, और इससे बेहतर बनेगा तो आपका आने वाला वीडियो में काफ़ी ज़्यादा व्यूज आएगा। तो आपको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि अभी जो वीडियो बना है नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा इससे बेहतर बनेगा, और इससे बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हैं, तो तभी आप YouTube पे ज़्यादा तेजी से ग्रो कर पाएंगे। तो बात आता है कि इसको चेक कैसे करना है कि आपके वीडियो में क्या कमी रह गया है। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम आप लोग लगभग बहुत लोग जानते होंगे, जिसका नाम है TubeBuddy एप्लीकेशन। तो आप लोग में से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो बोलेंगे कि TubeBuddy एप्लीकेशन को मैं जानता हूँ और इसको यूज करता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि TubeBuddy एप्लीकेशन को सही से यूज कैसे करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको सही से यूज करने नहीं आता है और वो ये बोलते हैं कि मैं TubeBuddy एप्लीकेशन को यूज करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं कैसे TubeBuddy एप्लीकेशन को सही से कैसे यूज करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा, और हर एक फीचर के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने वीडियो में क्या कमी है ये सब हर एक पॉइंट को पकड़ सकते हैं। और जब आपको गलती पता चल जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप उस गलती को सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपका इम्प्रूव होगा और अच्छा बनेगा। तो आपके वीडियो पे 100% है कि व्यू जरूर आएगा। तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि अभी जो आपका वीडियो बना है, आने वाला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आप इससे बेहतर बनाएं, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं TubeBuddy एप्लीकेशन का पूरा फुल ट्यूटोरियल बताएंगे और पूरा हर एक फीचर के बारे में बताएंगे कि किस फीचर का क्या काम है और किस फीचर को कैसे यूज करना है। तो अगर आप एक बिगिनर है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो शायद आपका जो प्रॉब्लम है ये हमेशा बना रहेगा। तो मैं आप लोग से वादा करता हूं कि मैं इस वीडियो में हर एक फीचर के बारे में बताऊंगा और हर एक फीचर के बारे में समझाऊंगा कि किसका क्या काम है। तो आपको क्या करना है कि TubeBuddy एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे आसानी से ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको करना क्या है कि इस एप्लीकेशन में साइन अप कर लेना है। आपको उस ईमेल आईडी से साइन अप करना है जिस ईमेल आईडी से आप अपने यूट्यूब चैनल को बनाए हैं। इसमें आपको हैकिंग के कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पूरी तरह से सिक्योर है और ये एप्लीकेशन यूट्यूब से सर्टिफाई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बेझिझक इसमें साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद करना क्या है, मैं चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं। तो इससे पहले मेरा नाम जान लें, मेरा नाम है रसूल, आप देख रहे हैं टेक्निकल रसूल। गाइज वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अभी तक आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको मोबाइल के स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आ चुके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको TubeBuddy एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और साइन अप करके ओपन कर लेना है। तो मैं इसको पहले से डाउनलोड करके और साइन अप करके रखा हूँ, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए मैं अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में सेट करके रखा हूँ, आपका पोर्ट्रेट मोड में होगा तो आप लैंडस्केप में सेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको साफ साफ नज़र आएगा, इसीलिए मैं लैंडस्केप में सेट करके रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो रीसेंट वीडियो अपलोड होगा वो वीडियो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे नीचे में आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए वीडियो का ऑप्शन है, उसके बाद में आपके सामने कॉमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा, माइलस्टोन का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके बाद में देखिए न्यूज का ऑप्शन नज़र आएगा और यहाँ पे मेनू का ऑप्शन नज़र आएगा। मैं इसमें माउस कनेक्ट करके रखा हूँ, आपको माउस के पॉइंटर पे ध्यान देना है तो आपको सभी बात समझ में आ जाएगा।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन है जो कि यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में देखिए आपके सामने तीन ऑप्शन खुल के आएगा जो कि प्राइवेट वीडियो का नाम से है और अनलिस्टेड वीडियो और पब्लिश वीडियो। इसका मतलब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये अभी तीनों ऑन है। इसका मतलब ये है कि आपके चैनल पे प्राइवेट वीडियो, अनलिस्टेड वीडियो और पब्लिश वीडियो जो भी होगा वो सभी वीडियो इस एप्लीकेशन में शो होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केवल मेरा प्राइवेट वीडियो इस एप्लीकेशन में शो हो या अनलिस्टेड वीडियो शो हो एंड पब्लिश वीडियो शो हो, तो अगर आप तीनों टाइप के वीडियो को शो करना चाहते हैं तो तीनों ऑन कर देंगे। अगर आप चाहते हैं केवल प्राइवेट वीडियो आपका शो हो तो आपको प्राइवेट को ऑन करके और अनलिस्टेड और पब्लिश को ऑफ कर देना है। तो ये अपने अनुसार आप यूज कर सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे शो होगा और डन कर देना है आपको। तो चलिए मैं डन कर दिया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने वीडियो का लिंक किसी के पास शेयर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रिमूव वीडियो फ्रॉम ऐप, इसका मतलब यह है कि यहाँ से अगर आप अपने वीडियो को डिलीट करते हैं तो ये वीडियो आपके एप्लीकेशन से डिलीट हो जाता है, ना कि आपका यूट्यूब चैनल से। ध्यान रखिएगा यहाँ से डिलीट करेंगे तो ये वीडियो आपके सिर्फ इस एप्लीकेशन से डिलीट होगा, आपके यूट्यूब चैनल से डिलीट नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है। उसके बाद में देखिए आपको करना क्या है कि किसी भी एक वीडियो पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं लेटेस्ट वीडियो जो है इसी पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाई रेजुलेशन थंबनेल, लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक है और राइट का सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं अपने वीडियो में जो थंबनेल को यूज किया हूँ ये थंबनेल काफ़ी परफेक्ट है और HD क्वालिटी के है। तो जिस भी ऑप्शन के बगल में ग्रीन टिक दिखाई दे रहा है और राइट का सिंबल है तो इसका मतलब यह है कि थंबनेल परफेक्ट है, HD क्वालिटी का है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एड टैग टू योर टाइटल, यानी कि मैं अपने वीडियो में जो भी टाइटल को यूज किया हूँ वो टाइटल भी मेरा बेस्ट है, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको नजर आएगा एड टैग टू योर डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस वीडियो का जो मैं डिस्क्रिप्शन यूज किया हूँ ये भी मेरा परफेक्ट यहाँ पे है, इसलिए ग्रीन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ऑप्शन यहाँ पे देखिए टाइटल लेंथ, यानी कि जो मेरा वीडियो का टाइटल का लेंथ है वो भी मेरा परफेक्ट है, मैं सही से यूज किया हूँ, इसलिए यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है। और नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा टैग लेंथ, यानी कि इस वीडियो का जो टैग लेंथ है वो मैं कहीं ना कहीं इसमें गलती किया हूँ, इसलिए यहाँ पे ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये मैं गलती क्या किया हूँ यहाँ पे पता चल गया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस गलती को सुधारूंगा, इस प्रॉब्लम को सुधारूंगा। देखिए आप अपने टैग लेंथ में केवल 500 कैरेक्टर लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए नीचे एक ऑप्शन आपको और नज़र आ रहा होगा ऐड कैप्शन, ऐड कैप्शन का मतलब ये होता है कि आप अपने वीडियो में सबटाइटल को यूज करते हैं या नहीं। अगर मैं अपने वीडियो में सबटाइटल यूज करता तो यहाँ पे ग्रीन दिखाई देता, लेकिन मैं अपने वीडियो में सबटाइटल को यूज नहीं करता हूँ इसलिए यहाँ पे ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। और देखिए नीचे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा ऐड कार्ड, इसका मतलब यह है कि मैं अपने वीडियो में आई कार्ड का इस्तेमाल किया हूँ इसलिए यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है। अगर आई कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड एंड स्क्रीन, इसका मतलब यह है कि मैं अपने वीडियो में एंड स्क्रीन लगाना भूल गया हूँ, जो कि ये मेरा एक मिस्टेक है। तो देखिए ये एप्लीकेशन आपको साफ साफ बता दिया कि ये चीज़ आप मिस्टेक किए हैं, तो आप ये बाद में सही कर सकते हैं। और देखिए नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड टू प्लेलिस्ट, यानी इस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं कि नहीं। तो देखिए ये भी मेरा एक मिस्टेक है जो कि मैं छोड़ दिया हूँ, तो इसको आप बाद में भी ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ग्रीन दिखाई देगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे गेट ए लिंक ऑन फेसबुक, इस वीडियो का लिंक को आप फेसबुक पे शेयर किए हैं या नहीं, तो मैं नहीं किया हूँ इसलिए यहाँ पे येलो दिखाई दे रहा है। ये होता क्या है कि ये मोबाइल से नहीं होता है, आपके पास डेस्कटॉप या कंप्यूटर है तो आप उससे कर सकते हैं इजीली, ये मोबाइल से नहीं होता है तो ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है टैग का, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने वीडियो में कौन कौन सी टैग को यूज किया है सभी टैग आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर इस टैग में आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके आप इसमें कोई भी टैग में चेंजिंग कर सकते हैं या किसी भी टैग को आप डिलीट करके दूसरा टैग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे सभी टैग शो हो जाएगा। तो किसी भी टैग के बगल में आपके थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे
तो ये टैग में आप चेंजिंग कर सकते हैं, इस टैग को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ ऐड का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो में कोई भी और भी टैग ऐड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ एक्सप्लोरर का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको मैं आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे सजेस्टेड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सजेस्टेड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके वीडियो के अकॉर्डिंग, आपके वीडियो के टैग के अकॉर्डिंग आपको 3 टैग सजेस्ट करेगा, जो कि ये बताएगा कि ये टैग अपने वीडियो में यूज करेंगे तो आपका वीडियो रैंक करने का चांस रहेगा। ये एप्लीकेशन आपको सिर्फ 3 टैग सजेस्ट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। इससे ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो आपको पैड करना पड़ेगा, जो कि इसका अपग्रेड वर्जन आपको परचेज करना पड़ेगा। तो देखिए इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके और आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस पर कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन नज़र आएगा। तो यह आपको करना क्या है कि यह वीडियो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए ये नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे वीडियो में जो 500 कैरेक्टर है वो कम्प्लीट हो गया है, इसमें स्पेस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। आपके वीडियो के टैग में स्पेस होगा तभी आप इसको ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो पहले वाला आपको डिलीट करके फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। बैक आते हैं, बैक आने के बाद में देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके वीडियो का जो URL है यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको आप कॉपी कर सकते हैं, वीडियो का टाइटल को आप कॉपी कर सकते हैं, वीडियो का टैग को आप कॉपी कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप कॉपी कर सकते हैं एंड वीडियो का थंबनेल का URL कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए सेव वीडियो थंबनेल इमेज, यानी आप अपने वीडियो के थंबनेल को गैलरी में सेव कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे वीडियो एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके वीडियो पर टोटल कितना व्यूज है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपके वीडियो पे लाइक कितना है, आपके वीडियो पे डिसलाइक कितना है, आपके वीडियो में टोटल कमेंट कितना है, आपके वीडियो का SEO टाइटल स्कोर कितना है, डिस्क्रिप्शन स्कोर कितना है, यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद में बैक आते हैं, बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे देखिए कमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा, कमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो पे जो भी व्यूअर आपके कमेंट किए होंगे सभी कमेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा इस एप्लीकेशन में। और इसी एप्लीकेशन से आप किसी भी कमेंट को रिप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कमेंट को हाइड कर सकते हैं, किसी भी कमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं, सभी कमेंट को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डिसेबल लॉन्ग प्रेस ये ऑप्शन आपको ऑन है यहाँ पे रिप्लाई का, ये अपने अनुसार आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सामने 2 फीचर आपको नज़र आएगा, 2 ऑप्शन। ये ऑप्शन काफ़ी कमाल के है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है हाइड कमेंट रिप्लाई, यानी कि आप जिस भी कमेंट को रिप्लाई कर चुके हैं उस कमेंट को आप हाइड करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सो हिडन कमेंट, यानी आप जिस भी कमेंट को हाइड करके रखें उसको अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन करके और डाउन पे क्लिक कर देंगे। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है ये जो रिप्लाई वाला है। अगर आप अपने कमेंट को हाइड करना चाहते हैं, उस कमेंट को हाइड करना चाहते हैं जिस कमेंट को आप रिप्लाई कर चुके हैं तो उसको हाइड कर देंगे तो आपके सामने वही कमेंट शो होगा जिसको आप रिप्लाई नहीं किए हैं, तो आपको क्या होगा कि रिप्लाई करने में आसानी हो जाएगा। तो ये अपने अनुसार आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में देख यहाँ पे कमेंट के बगल में इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किसी भी कमेंट को आप रिप्लाई कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं एंड किसी भी कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। कमेंट वाला टैब में आपको इतना ही ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद में माइलस्टोन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने चैनल पे जो भी माइलस्टोन क्रॉस करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसका आपको एक इमेज के तौर पे ये एप्लीकेशन आपको एक सर्टिफिकेट देता है, जो कि देखिए मेरे चैनल पे अभी 60,000 व्यूज कंप्लीट हो गया है, जो कि मैं 8 जनवरी 2022 को 60,000 व्यूज कंप्लीट कर लिया हूँ मैं अपने चैनल पे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मेरे चैनल पे 80 वीडियो कंप्लीट है, जो कि मैं 7 जनवरी 2022 को 80 वीडियो अपने चैनल पे कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बाद में देखिए मेरे चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, जो कि 5 जनवरी 2022 को। ये एप्लीकेशन आपको सब कुछ अपडेट करते रहता है, सब कुछ बताते रहता है कि आप अपने चैनल पे क्या क्या चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा एक सर्टिफिकेट देगा ये एप्लीकेशन इमेज के तौर पे, आप किसी के पास इसको शेयर कर सकते हैं, इसको आप डाउनलोड करके अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1100 सब्सक्राइबर और यहाँ पे देखिए 4 जनवरी 2022 को मैं कंप्लीट किया हूँ, मेरे चैनल के यहाँ लोगो दिखाई देगा,
मेरा चैनल को यहाँ नाम दिखाई देगा तो ये एप्लीकेशन आपको सब कुछ बता देता है। देखिए मेरे चैनल पे 1200 सब्सक्राइबर होने में केवल 30 सब्सक्राइबर कम है, जैसे ही 30 कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन हमको फिर से एक सर्टिफिकेट दे देगा। उसके बाद में देखिए 65,000 व्यूज होने में मेरे चैनल पे 1234 व्यूज कम है, जैसे ही होगा तो एक व्यूज का मुझे माइलस्टोन सर्टिफिकेट मिल जाएगा इस एप्लीकेशन के द्वारा। मेरे चैनल पे 90 वीडियो अपलोड होने में केवल 6 वीडियो कम है, जैसे ही 6 वीडियो में अपलोड करूँगा तो मेरे चैनल पे 90 वीडियो का एक माइलस्टोन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करके आप इसको किसी के पास शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अब न्यूज का ऑप्शन है तो न्यूज पे क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन का जो भी न्यूज आता है, जो भी अपडेट आता है आपको इस एप्लीकेशन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपको इंग्लिश में दिखाई देगा, अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपके चैनल का आर्ट शो हो जाएगा, आपके चैनल का यहाँ पे लोगो शो होगा एंड आपका चैनल का यहाँ पर नाम शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे देखिए टैग एक्सप्लोरर का है, जो कि मैं वीडियो में आपको बताया था कि इस ऑप्शन के बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस ऑप्शन का क्या काम होता है और इसको आप कैसे यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टॉपिक प्लानर, उसके बाद में नीचे मिलेगा कैनेड रिस्पॉन्सेस, इसके बाद में टैग लिस्ट, इसके बाद में यहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन मिलेगा जो कि इस एप्लीकेशन का कम्युनिटी गाइडलाइंस जो होगा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में इस एप्लीकेशन के बारे में आप कोई भी फीडबैक दे सकते हैं, इस एप्लीकेशन से आप साइन आउट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए योर चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन का जो ऑफिशियल चैनल होगा वहाँ पे आप चल जाएंगे यूट्यूब पर, जो कि इसका जो वीडियो रहता है वो इंग्लिश में रहता है, अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है तो आप देख के यहाँ पर सीख सकते हैं। वहाँ पे देखिए नीचे में एक ऑप्शन आपको और नज़र आ रहा है अपग्रेड का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपग्रेड करने के लिए बोलेगा, जो कि आप अगर कुछ पैसा लगा के अपग्रेड करेंगे तो और भी आपको फीचर देखने को मिल जाएगा, तो ये अपने अनुसार आप कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी फीचर के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे टैग एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका काम होता क्या है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं, उस कीवर्ड को अगर आप फाइंड करना चाहते हैं कि इस कीवर्ड पे सर्च वैल्यूम कितना है, कंपटीशन है या नहीं, आप इसको कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी कीवर्ड मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि यूट्यूब SEO मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इस पर सर्च वैल्यूम कैसा है और कॉम्पिटिशन कैसा है, लिख कर यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए सर्च वैल्यूम हाई है, कंपटीशन भी हाई है, ओवरऑल स्कोर जो है इसका बैड है, यानी कि अगर आपका चैनल नया है, अभी आप स्टार्ट किए हैं तो आपको उसी कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए, उसी कीवर्ड पे आपको वीडियो बनाना चाहिए जिसका सर्च वैल्यूम ज़्यादा हो और कॉम्पटिशन कम हो, उस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएंगे, उस कीवर्ड पर वीडियो बनाएंगे तो आपका वीडियो वायरल होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आप हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड पे वीडियो बनाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको व्यूज नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। देखिए यहाँ पे टॉपिक प्लानर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टॉपिक प्लानर का ऑप्शन का मतलब होता क्या है कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहते हैं उसका प्लान यहाँ पे करके रख सकते हैं, उसका कीवर्ड आप यहाँ पे लिख के और सेव करके रख सकते हैं, आप उस पर बाद में वीडियो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप कहीं बाहर में हैं, अपने घर पे नहीं है और आपको कोई भी टॉपिक आपके माइंड में आया कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप सोचते हैं कि उसको लिख के रख ले तो यहाँ पर इसको नोट करके रख सकते हैं, घर पर आएंगे जब भी आप उस पर वीडियो बना सकते हैं तो ये नोट करके आप रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए कैंसल रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर भी आप कुछ भी नोट करके रख सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे टैग लिस्ट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी टैग को आप नोट करके रख सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैग पर क्लिक करके आप यहाँ पर नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कम्युनिटी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन का कम्युनिटी गाइडलाइंस आपको पढ़ने को मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन के बारे में आप यहां से फीडबैक दे सकते हैं, इस एप्लीकेशन से आप साइन आउट हो सकते हैं। उसके बाद में यहां पर योर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए यहां चैनल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल जो चैनल होगा उस पर आपको यूट्यूब पे ले जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको इंग्लिश में मिलेगा। उसके बाद में देखिए अपग्रेड पर क्लिक करके इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, तो इसमें कुछ पैसा देना पड़ेगा आपको हर मंथ,
और देखिए यहाँ पे एक डॉट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप कितना चैनल को ऐड करके रखे होंगे वो सभी चैनल यहाँ पे शो हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि इसमें और भी चैनल को आप ऐड करें तो यहाँ पे ऐड चैनल पे क्लिक करके आप उस चैनल को ऐड कर सकते हैं, जो कि आपका सभी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और आप जिस चैनल को ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर देंगे तो आपका चैनल इसमें ऐड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सभी फीचर के बारे में समझ में आ गया होगा कि किस फीचर का क्या काम है और इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। तो मैं हर एक फीचर के बारे में आपको डिटेल में बताया हूँ क्योंकि मैं YouTube का टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो देखिए ये एप्लीकेशन आपको किस तरह से सभी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया कि आप वीडियो में क्या क्या कमी किए हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा, इस एप्लीकेशन में आप सब कुछ पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।